नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल यूमैप वेलनेस पर। पिछले वीडियो में हमने अपर बॉडी और स्पाइनल मोबिलाइजेशन किए थे। इस वीडियो में हम लोअर बॉडी मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचेस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे हिप एक्सटर्नल रोटेशन से। हिप हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जॉइंट है, जिससे जुड़े मसल्स हमें दौड़ने, कूदने, उठने बैठने के अलावा वज़न उठाने की मूवमेंट में मदद करते हैं। जब आप हिप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं तो दीवार का सहारा लें, जिससे ध्यान शरीर के संतुलन की बजाय मूवमेंट पर रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम हिप इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं। आप ये मोबिलाइजेशन 5, 10 या 15 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं नी जॉइंट की तरफ, जिसकी महत्ता हम सब बखूबी समझते हैं। एक फ्लेक्सिबल नी जॉइंट एक हेल्दी नी जॉइंट की निशानी है, जिसे मोबिलाइज करते रहना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम हमारे शरीर के सबसे मुश्किल और संवेदनशील जॉइंट को मोबिलाइज करने जा रहे हैं, एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। हार्वर्ड हेल्थ प्रकाशन के एक प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर जियोवानी के मुताबिक 50 से 80 साल उम्र के लोगों में गठिया या आर्थराइटिस होने का एक बहुत बड़ा कारण एंकल जॉइंट की स्टिफनेस है। तो आइए इन एंकल जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं काफ रेजेस करके। इस सफर को और आरामदायक बनाते हुए चलते हैं होल बॉडी स्ट्रेचेस की ओर। शुरुआत करते हैं गर्दन से। हाथ से दोनों ही तरफ गर्दन को 5 सेकंड के लिए बड़े आराम से झुकाना है और स्ट्रेच करना है। अगला स्ट्रेच है शोल्डर का, जो एक हाथ को दूसरी ओर ले जाकर बिना शरीर को घुमाए करना है। सांस सामान्य रूप से लेनी है। अगला स्ट्रेच है चेस्ट स्ट्रेच, जो आपके दोनों हाथों को कमर की पिछली ओर रखकर कोहनियों को खींचने से होगा। यह है अपर बैक स्ट्रेच, जो आपके पीठ के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करेगा। कोहनी के दर्द में राहत देने वाला बाइसेप स्ट्रेच कुछ इस तरह से होगा। बाइसेप स्ट्रेच करते हुए ध्यान रखें कि आप अपने हथेली को खींच रहे हैं, ना कि उंगलियों को, और अपनी कोहनी को बिल्कुल सीधा रखें। अब चलते हैं ट्राइसेप स्ट्रेच की ओर। ये एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रेच है, जिसे करते समय सामान्य रूप से लोग सांस रोक लेते हैं। आप अपनी सांस को सामान्य रूप से लेते रहें और स्ट्रेच को बड़े ही आराम से 5 सेकंड होल्ड करें। दोनों हाथों की उंगलियों से दीवार की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर हम अपनी ऊपरी पीठ और करीब करीब पूरे ऊपरी शरीर को स्ट्रेच करेंगे। पेट के साइड के मसल्स या ऑब्लिक मसल्स को दोनों हाथों को ऊपर ले जाने के बाद एक तरफ झुकने से स्ट्रेच कर पाएंगे। ये स्ट्रेच दोनों ही तरफ करना है और 5 सेकंड तक रोकना है। अगला स्ट्रेच है काफ या पिंडलियों का, जो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप अपना हाथ अपने पैर के पंजों तक ना ले जा पाएं, तो जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है, वहां से धीरे धीरे आप अपनी पंजों की ओर प्रगति कर सकते हैं। सांस सामान्य रूप से लेते रहें, घुटने को सीधा रखें और आरामदायक स्थिति में रहकर स्ट्रेच करें। अगला स्ट्रेच आपको घुटनों के दर्द से दूर रखेगा, जो है थाइस का स्ट्रेच। ये स्ट्रेच करते समय दीवार का सहारा लें, ताकि संतुलन के बजाय स्ट्रेच पर ध्यान रहे और स्ट्रेच अच्छी तरह से हो पाए। अगला स्ट्रेच है आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स का, जो आपके थाइस के पीछे होते हैं और जो फॉरवर्ड बेंड करने से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग में कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होती और आपकी क्षमता के अनुसार बदली जा सकती है। सबसे आखिरी स्ट्रेच, जो आपको कमर और घुटनों के दर्द से दूर रखेगा, इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच, जो कुछ इस तरह से होगा। दोनों ही तरफ करना है 5 सेकेंड और सामान्य रूप से सांस लेते हुए। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द को कम करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल, प्लीज शेयर इट विद अदर्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।